लीजिए म्यूजिक इंडस्ट्री की आन बान और शान मिस्टर हितेश एंड सुनिधि चौहान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा। आप लोगों का तो होता रहता है, कभी हमको भी चालस दे दीजिए। वैसे सच बता, ये लीजिए आपके स्वागत के लिए हम हार भी लेकर आए हैं, लेकिन यू नो ऑन सेकंड थॉट्स हम चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी भी हार ना आए, हमेशा जीत आए, इसलिए हार कैंसल। लेकिन नहीं मानना पड़ेगा भाई, कमाल का जोड़ी है, बताइए कहां से लिया। कहां से लिया क्या मतलब? नहीं, जूते का जोड़ी कर रहे हैं, कमाल का है यार, हमको भी लेना है। हमको भी लेना है, इनको पीठ पे दे दीजिए दो। पीठ पे वार करने का बात कर रहा है, आदमी तो कटप्पा निकला। बच्चा एक बात बता, तू सूर्यवंशम है? नहीं तो? तो फिर बार बार क्यों आता है? आप गूगल है? नहीं तो क्यों? हर चीज का जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए रुकिए रुकिए, हमारे कुछ दोस्त भी आए हैं यार। ओ मंगलू, ए बसेसर, आ जाओ केसरिया, सब आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए फुलझड़िया जरा साइड में हो जाइए, ए रुक जाइए ए कुछ नहीं कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो। ए देखिए आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं आपको सुनिधि चौहान। आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? ए लेडीज कहाँ है? तो आप साड़ी पहना दीजिए, आपको तो आदत है यार यहाँ पे सब। कौन है आप लोग? ये आम आदमी है भाई, ये वही लोग हैं जिनके लिए ये गाना बनाते हैं, फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो यार इतने सारे लोग तुम लोगों के लिए इतना कुछ बनाते हैं, यहाँ सेलिब्रिटी आए तुम एक चाय बना के नहीं ला सकते थे? हम क्यों बना के लाए, हम तो शो देखने आए, हम तो टिकट भी लिया है। ए, इधर तो फ्री है, टिकट किसने दिया आपको? मायावती जी ने टिकट दिया है। फालतू का बात कर रहे हैं यार, हमने दिया है टिकट। बट टुडे दे हैव कम फॉर लाइव शो, इट इज बच्चा प्रेजेंट सुनिधि चौहान नाइट लाइव इन कॉन्सर्ट। आर यू रेडी सुनिधि जी? नो। आहा क्या सुर में निकला है, सुना आपने? आहा ओहो क्या ब्यूटीफुल आवाज है यार। ये कैसा शो है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? अरे ये लीजिए, क्या सिंगिंग है यार, क्या गाया है, ओहो मजा ही आ गया। ये तो नॉर्मल बात कर रही है, कहाँ गा रही है? अजीब बात है यार, ये गाने बाने का नहीं, नहीं नहीं, इसको आदत नहीं, इसको आइडिया ही नहीं, आजकल ऐसा गाना चलता है। सही क्या सुर में बोला है, देखो सही बात है, सही सही बात है, 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 सही बात है भाई, ठीक है ठीक है। क्या बात है, है ना? ये देखो अभी फिर बोल दिया क्या बात है, ये आदमी का भी देखो गाना निकल जाता है दूर का। ये देखो ये भी सही बोल दिए, सही बात है, ये भी बोल दिए, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा आज बर्मन साहब होते ना तुम्हारे सर पे तबला फोड़ते, हो क्या किया तुमने आज गाने का? तुमने दी चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। अच्छा फटाफट निकलो, तुम्हारी भैंस इधर गोबरना कर दे, चलो। रुकिए जरा यार, आदमी आया है, सबसे पहले सुनिधि जी आपको बताना होगा ये हमारा मंगलू है, इससे ऐसा क्या कोई पर्सनल इश्यू है आपका, इज देयर अ प्रॉब्लम? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं नहीं, इसका बीवी है, उसका हाँ। नाम था शीला, ये बेचारा अपना बीवी का नाम बदलता आ रहा है, बोल रहा है कि एक बाय एक ऐसे गाने आते जा रहे हैं, अब क्या करें, तो इन्होंने अपनी बीवी का नाम कैंसिल ही कर दिया। पता है अपनी बीवी को क्या बुलाता है अब? क्या? अपनी बीवी को बुलाता है, अब ये कैसा नाम हुआ सोचिए, ये सभी अपने लेडीज के जो वाइफ है इनके सबका नाम ऐसे रख दिए, ऐसा कैसे चलेगा यार? पप्पू शर्मा आपका ऐसा नाम हो गया तो सोचिए यहाँ पे लिखा होगा दो शर्मा को, कितना प्रॉब्लम हो जाएगा सोचिए। हमको इस समस्या का हल मिल ही नहीं रहा था, फिर एक आइडिया आया हमको, क्या? कि किसान के पास जाते हैं क्योंकि किसान के पास हल है। आप लोगों का समस्या डिस्कस किया ना हमने, बहुत हुआ ना आपका, तो चलिए ना यार, अभी क्या बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक सारे बातें तो कर लिया आपके लिए, चलिए अब हमारा भी टाइम हो गया, हम भी
चलते हैं, और कोई आपको हमसे कोई बात करनी हो तो कर लीजिए, वरना हमारे जाने का वक्त है। देखिए देखिए, सब क्या चाहते हैं कि जोक सुनाए हम। अभी हम जोक क्या ज्यादा सुनाते नहीं सुनिधि जी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा माहौल बन जाता है। कॉमेडी इतना फैल जाता है ना, फिर कंट्रोल नहीं होता है कि भाई कॉमेडी को रोकें। पर चलिए ठीक है, आज आप आई हैं, जोक्स के बिना कैसे आपको ऐसे? फैला दो फैला दो। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है वो थोड़ा ऐसा फनी वाला जोक है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर होता है, वो सड़क के रॉन्ग साइड पे जा रहा होता है, पुलिस वहां पर खड़ी है, सारी की सारी खड़ी है, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले हैं, कोई भी उसको नहीं रोकता। पूछे क्यों? 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 क्योंकि वो पैदल जा रहा होता है यार। बहुत माहौल बन जाता है यार, बहुत मजा आ जाता है। इसीलिए कहता हूँ ज्ञान की बात सुनाओ। ए देखिए, ज्ञान की बात सुनिए, अगर कोई खूबसूरत लड़की एकदम सज धज के मेकअप शेकअप करके अपने घर से निकली है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मतलब है थोड़ी देर में उसका डीपी चेंज होगा। बच्चा ये क्या ज्ञान की बात है, ये तो टाइम वेस्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कौन से न्यूक्लियर मिसाइल की बातें करते हैं? टाइम वेस्ट। वैसे सुनीति जी आपको बताया, आपने गाया प्रियंका चोपड़ा के लिए, वो तो किधर है देसी, वो तो हो गई विदेशी, अब चली गई वो तो। कोई बात नहीं, लेकिन ये देसी गर्ल वर्ल क्या है? देसी गर्ल नहीं होता है, देसी होता है घी। नहीं नहीं सच में, हम हमारे डेयरी फार्म पे ना मैन्युफैक्चर करते हैं देसी घी। आई गॉट इट विथ मी, आई विल शो यू। ये देखिए हमारे डेयरी फार्म का देसी घी है, इट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब? NRI। ये NRI मतलब 90 रुपए में इतना। पर 90 रुपए में इतना घी कौन देता है, तुझे घाटा नहीं होता? अरे खाली एडवर्टाइजिंग है यार। जब प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो 600-800 का बेच देंगे, एडवर्टाइजिंग में बोल देते हैं ऐसा ही चलता है। आप देखिए एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चलता है। वो अभी वो साबुन आया, कहता है कि साबुन में दूध है। अरे उस दिन हमारी फुलझड़िया ने दूध देने से मना कर दिया था, हमारे घर में दूध था नहीं, हमारे चाचा जी ने चाय मांगी, हमने साबुन चाय में डाल के उनको पिला दी। अब हमारे चाचा जी के मुंह से जो झाग निकले। तो फिर क्या किया तुमने? अरे क्या करते यार, इतना सारा झाग देके तो घर के सारे कपड़े लाके वो झाग में धो दिया हमने। अब तो हम चाचा जी को रोज एक साबुन खिलाते और झाग में पूरा सोसाइटी का कपड़ा धप्पड़ धप्पड़ धप्पड़। सुनिधि जी एक दरख्वास्त है, इट इज दरख्वास्त, ऐसा रिक्वेस्ट को कहते हैं यार। उधरू आती नहीं है यार, क्या बातें करते हो आप। जाते जाते आपको एक लाख रुपए की बात बता के जाना चाहेंगे। 50,000 50,000। ये तो ऐसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.